उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है और शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, इसलिए शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। शिक्षक को समाज का शिल्पकार भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। उपायुक्त प्रदीप कुमार आज बाल भवन सिरसा में जिला बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूली बच्चों, अभिभावकों व अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गत 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। मैंने इस ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसका रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है और मुझे फर्स्ट पोजीशन, जिन बच्चों ने सेकंड पोजीशन अचीव की है वो बच्चे इस प्रकार हैं। मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। डांस कंपटीशन में ऋषिका, सिमरन कंबोज होते रहने चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन। मैंने डांस पार्टिसिपेट किया था और मेरी शिवराज। देखो, विद्यार्थी और उनके अध्यापक और उनके पेरेंट्स वो तो तैयार रहते हैं कि उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस बार कोरोना के कारण फिर भी हमने जो कोशिश की तो उसमें 38,000 विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और बहुतों ने प्राइज जीते हैं। तो मैंने आज ये पारितोषिक वितरण जो समारोह आयोजित किया गया जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई दी है और हम आशा करते हैं कि बच्चे और अच्छी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, अपने हुनर को बढ़ाएंगे और ऐसे ही पूरे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। देखो, पढ़ाई तो जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि उससे हमें अपनी अच्छी जॉब भी मिलती है और जीवन में सफल होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन यदि पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स है या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, इवन NCC, NSS, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, वो कोई रास्ते से नहीं भटकेगा। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान रखेंगे कि उनको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं। आज गाँवों के अंदर भी, जो सिरसा ज़िले के अंदर नशा की प्रचलन काफ़ी है, वो तभी कंट्रोल हो सकता है जब वो बच्चे स्पोर्ट्स में या दूसरे सोशल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही मूल मंत्र है नशे मुक्ति का।